नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित कुमार गोयल आपके अपने चैनल पॉजिटिव सोच पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर समाज से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पे चर्चा की जाती है, तो आज भी हम एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने के लिए आपके साथ प्रस्तुत हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है जीवन बीमा। अक्सर कई लोग बोलते हैं कि जीवन बीमा की हमें ज़रूरत नहीं है, तो उनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। दोस्तों, हमने देखा है अक्सर कि कार में चार पहिए होते हैं, फिर भी पांचवा रखना जरूरी होता है, वो क्यों? रास्ते में सुरक्षा के लिए या फिजूल खर्च? क्योंकि जीवन बीमा को भी लोग अक्सर फिजूल खर्च ही बोलते हैं। दोस्तों, मुझे आज भी याद है, एक बार मेरे किसी मित्र की कार से टकरा कर एक मुर्गी मर गई थी, तो उसके मालिक ने उसके ऊपर 5 लाख रुपये का दावा कर दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि मेरी मुर्गी महीने में 10 अंडे देती थी, उनसे कई मुर्गियां बनती थी, फिर उनके अंडों से और मुर्गी बनती, तो इस प्रकार मेरा 1 लाख रुपये का नुकसान कर दिया और उसे इसका हर्जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो तो आप किसका बीमा करवाएंगे, मुर्गी का या अंडे का? आप अपनी कार का तो बीमा करवाते हैं लेकिन अपना नहीं। ज़रा सोचिए कि क्या कार का बीमा करवाने से आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहता है? कार का बीमा करवाना भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले जो कार चलाने वाला है उसका बीमा भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर कार का बीमा करवा लिया और कार चलाने वाले का बीमा नहीं है तो कार का तो आपको क्लेम मिल जाएगा अगर कार का कहीं एक्सीडेंट होता है, लेकिन भगवान ना करे अगर कहीं कार के मालिक का एक्सीडेंट हो गया और वो ना बचा, तो सोचिए उसके परिवार का क्या बनेगा। दोस्तों, बच्चा अगर परीक्षा में फेल हो जाए तो दोबारा मौका मिल सकता है, लेकिन अगर पिता परीक्षा में फेल हो जाए तो बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। आपने कभी सोचा है कि जब आप घर से 1 महीने के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो पीछे से अपने परिवार को दिक्कत ना आए उसके लिए क्या क्या व्यवस्था करके जाते हैं? हम जनरली सभी लोग अगर 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि हमने 15 दिन के बाद आना है और हमारे पीछे से हमारे परिवार को कोई दिक्कत ना आए, हम उनके लिए पूरा राशन, पूरा पैसे का बंदोबस्त सब करके जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो सफ़र है, अगर ज़िंदगी के सफ़र में हम कहीं लंबी छुट्टी पर चले जाएँ, या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हमें अपने परिवार से सदा सदा के लिए बिछड़ना पड़ जाए, तो आपने उनके लिए क्या बंदोबस्त किया है? दोस्तों, बिना पैसे के कोई नहीं पूछता है, कोई सहारा नहीं बनता है, तो अपने परिवार का सहारा आप खुद हो, और इसीलिए बीमे की ज़रूरत आपको नहीं, आपके परिवार को है। और बीमा तभी लिया जाता है जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़रूरत होने पर श्रीमान बीमा नहीं मिलता, क्योंकि इसके लिए आपका स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो बीमे का प्रीमियम देखने से ज़्यादा ज़रूरी आप ये चीज़ देखें कि आपातकालीन स्थिति में उससे मिलने वाली राशि कितनी है, क्या वो आपके परिवार को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, ये है बीमे की कुछ ज़रूरत जो मैंने आपको बताया कि हाँ, बीमे की ज़रूरत है। और जीवन बीमा अगर करवाना है आपको, तो जीवन बीमा करवाने के लिए आपको ये चीज़ देखनी भी ज़रूरी है कि आप एक अच्छी रकम का बीमा करवाएं, ताकि आपके परिवार का कुछ बन सके, आपका परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्योंकि आपको पता है कि आपका जीवन आपके परिवार के लिए कितना अमूल्य व आवश्यक है। आप ही बच्चों की शिक्षा का और विवाह का प्रबंध करेंगे, अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों की शिक्षा और विवाह का प्रबंध कौन करेगा? तो उसकी स्थिति में सिर्फ जीवन बीमा ही है जो आपका स्थान लेकर पैसे की कमी पूरी करेगा। आपकी कमी नहीं पूरी कर सकते, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में पैसे की तरफ से आपके परिवार का एक सहारा बनेगा। दोस्तों, जीवन बीमा लेने के लिए आपको कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ नोट कर लीजिए। जीवन बीमा लेते समय हमेशा सही कंपनी का चुनाव करें। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने जीवन बीमा करवा भी लिया लेकिन करवा किसी गलत कंपनी से लिया, तो आने वाले समय में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि
क्योंकि आपका पैसा भी जाएगा और आपको क्लेम भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए पूरे भारत की विश्वसनीय कंपनी LIC से ही जीवन बीमा लें, क्योंकि LIC 1956 एक्ट से एक्ट में काम कर रही है। 1956 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ कानून है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार आपके 1 रुपये से लेके आपके कितना भी पैसा हो पूरी जिम्मेवार है। कभी भी आपके पैसे को कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 2, जो आप बीमा करवा रहे हैं वो अपने भरोसेमंद एजेंट से ही करवाएं, क्योंकि जो भरोसेमंद एजेंट वही होगा जो आपको बेहतर सर्विस दे सकेगा, आपको समय पे रिन्यूअल याद करवाए, आपको कहीं पे भी दिक्कत आए LIC में तो वो आपके साथ खड़ा हो। तीसरा, सही नॉमिनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि सही नॉमिनेशन अगर आप करवाएंगे तभी आपके नॉमिनी को सही समय पर पैसा मिल पाएगा। क्योंकि अगर भगवान ना करे आपने आज नॉमिनी किसी को बना दिया और इस दौरान पॉलिसी मैच्योर होने के दौरान नॉमिनी की डेथ हो जाती है और आप नॉमिनेशन चेंज नहीं करवाते हैं तो बाद में क्लेम लेने के वक्त बहुत दिक्कत आ सकती है। नंबर 4, जो LIC की किस्त होती है वो टाइम पे ज़रूर पे करें, क्योंकि समय से प्रीमियम ना भरने से आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है और आपका क्लेम खारिज हो सकता है। नंबर 5, अपने बैंक की डिटेल्स जरूर अपडेट करवाएं LIC पॉलिसी में, क्योंकि LIC में अगर आप बैंक की डिटेल अपडेट करवाएंगे तो उससे आपका जो भी क्लेम होगा, जैसे आपका मनी बैक आता है बीच में या मैच्योरिटी होती है, तो वो बिना देरी के आपके अकाउंट में सीधी जमा हो जाएगी, क्योंकि LIC आजकल चेक नहीं भेजती है, वो सीधा अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करती है। नंबर 6, दोस्तों अक्सर मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि लोग पॉलिसी करवाते हैं लेकिन अपनी फैमिली में नहीं बताते हैं, तो दोस्तों ये गलत है। कोशिश करें अपनी फैमिली में सबको बताएं कि मैंने पॉलिसी करवाई है, ताकि उनको पता हो कि हमारा भविष्य सुरक्षित है और अगर आपको कुछ होता है तो वो पॉलिसी का क्लेम ले सकें। और उनको अपने एजेंट के बारे में भी बताएं कि मेरा ये एडवाइज़र है, उसका फ़ोन नंबर घर में दे के रखें, ताकि कुछ भी ऐसी आपातकालीन स्थिति में आपकी फैमिली उनको कॉन्टैक्ट कर सके। नंबर 7, पॉलिसी लेते समय अपनी फैमिली हिस्ट्री सही बताएं, कि आपके कितने भाई हैं कितनी बहन हैं उनका एज सही बताएं, ताकि भगवान ना करे अगर नॉमिनी को कुछ हो जाता है तो उस केस में अगर कोई दूसरा बंदा जाके दावा करता है कि मैं उनका भाई हूँ तो वो उसी केस में आपको मिल पाएगा जब अगर आपने उसमें सही डिटेल अपडेट करवाई होगी। नंबर 8, जो आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको मिलता है उसको सुरक्षित स्थान पर संभाल कर जरूर रखें और अपनी फैमिली को बता कर रखें कि मैंने यहाँ पे पॉलिसी रखी है, अगर ज़रूरत पड़ती है कभी तो यहाँ से ले सकें। दोस्तों यदि आप सोच के देखिए, हम अपने शौक पे अपने विलासिता पे हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बदले में कुछ नहीं मिलता, परंतु यहाँ बात आपके परिवार की सुरक्षा की है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको बीमे की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपना बेटा या अपनी बीवी बनकर सोचिए, विचार कीजिए। बीमा अपने फायदे के लिए नहीं, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खरीदा जाता है, जिस प्रकार छाता बारिश रोकने के लिए नहीं बल्कि बारिश से भीगने से बचने के लिए खरीदा जाता है। निर्णय आपका है, क्योंकि परिवार भी आपका है। मेरा काम आपको बीमे के बारे में बताना था, करवाना या ना करवाना ये आपकी अपनी सोच है। अगर आप बीमा करवाना चाहते हैं तो मेरे पास आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत सी सुंदर योजनाएं हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9914699534। आपका अपना दोस्त मोहित कुमार गोयल, और अपने इस चैनल पर बने रहिए। ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके और अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।